केंद्रीय जेल में दो आरोपियों के साथ की गई बेरहमी से पिटाई। सागर के केंद्रीय जेल में बंद आकाश खटिक जो आर्म्स एक्ट के तहत दूसरा आकाश रेकवार आगजनी के मामले में 14 तारीख से केंद्रीय जेल सागर में बंद है। इनके परिजनों का आरोप है कि जेलर नागेंद्र चौधरी के इशारे पर इन दोनों को बेरहमी से पीटा गया। इन दोनों कैदियों के परिजनों का कहना है कि शनिवार से हम लोगों को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी तरह की बात बताई जा रही है। इन कैदियों को अपने अपने वकीलों के माध्यम से भी इन कैदियों से मिलने की कोशिश की, पर वकीलों को भी इन दोनों से मिलवाया नहीं गया। इस कारण से इन कैदियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के द्वारा इनको अदालत लाया गया, फिर उसके बाद इनको चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जेल में साफ देख सकते हैं कि इन दोनों कैदियों के साथ किस तरह बेरहमी के साथ पीटा गया है। जेल में चलने वाले रुपया माफिया की पूर्ति न कर पाने से जेलर नागेंद्र चौधरी के इशारे जेल के लंबरदार के द्वारा किस प्रकार इन कैदियों के साथ मारपीट की गई। सागर केंद्रीय जेल में शायद पहला मामला नहीं, अक्सर वहां पर पदस्थ जेलर नागेंद्र चौधरी पर कई बार उंगलियां उठती रहती है, लेकिन उनके ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। जब तक इस संबंध में जेल अधीक्षक ने मीडिया से बात की और ना ही किसी भी घटना के बारे में कुछ बताया। फिलहाल कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सागर केंद्रीय जेल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। मैं आपका कहाँ से आया? रानीपुरा। क्या हुआ है? आप कोर्ट को आना पड़ा? आपको कोर्ट को आना पड़ा इसलिए कि बच्चे को मार पीट हुई अंदर जेल, उसने मिलने नहीं दिया। दो तीन दिन से हम आ रहे थे। किसने मारपीट की है बच्चे को? जेल में अंदर अंदर कैदियों ने भीतर मारपीट कर मुलाकात नहीं करने देगी। किस मामले में आपका बालक जेल गया? जबरदस्ती में लिखवा दिया है, वहाँ केस बनाया है। अंदर वहाँ टपरापरा चला है, कोई ने उनका नाम दे दिया है। इसके पहले भी आपके बालक के खिलाफ कोई केस दर्ज हुए हैं? नहीं हुआ। क्या नाम है आपके बालक का? आकाश रेकवार। आकाश कटी हुई है। अब आप बता दो, क्या नाम है आपका और आप कोर्ट किस लिए आए हैं? सोन कटिक नाम है मेरा। हम शनिवार से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हम शनिवार को मुलाकात डाली हमारी कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर पर मिलन देंगे। हम 1 बजे तक उधर बैठे रहे हैं कचहरी में, जेल में। तो हमने मुलाकात डाली, तो उसके बाद हमने जेलर साहब के पास भी गए कि आपकी 23 तारीख तक मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैंने क्यों सर? क्या आप तुम जाओ, बहस ना करो, तुम जाओ। फिर हमने कल वकील साहब के पास आए, तो वकील साहब की मुलाकात भी नहीं होने दी। वो कंप्यूटर द्वारा हो जाती थी, वो भी नहीं होती कचहरी से। तो फिर वकील साहब ने कहा आप बुला रहे हैं आकाश को, और आकाश ने बताया कि अंदर बहुत मारपीट करी है हमारे भाई, पूरे शरीर में चोटें हैंगी। क्यों मारपीट की है? कुछ पैसे? पैसों के चक्कर में पैसे मांग रही थी। मतलब जेल में क्या वसूली वगैरह हो रही है? जो अवैध वसूली होती है, नागेंद्र चौधरी साहब है वो करवाते हैं, और उनके साथ में जो लम्बड़दार रहते हैं जो पुराने बहुत समय से, उनको पूरी वसूली करके देते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं और मामला क्या है? ये लड़का है, वो माँ है उसके, कहाँ मारपीट हुई है उसकी और आप कोर्ट क्यों आए हो? क्या है ये? कहाँ मारपीट हुई है उसकी और आप कोर्ट क्यों आए हो? आप बोल रहे बोल रही आकाश रेकवार है, और इनके लिए 294B, 336, 436, 2527 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके वो जेल भेजा है। तो उनके घर वालों ने और उसने मेरे पक्षकार ने मुझे बताया है कि उसके साथ जेल में कुछ लोगों ने मारपीट की। तो मैंने उसके संबंध में माननीय न्यायालय CGM कोर्ट में आवेदन दिया था कि मेरे आरोपी को बुलवा कर उसका जो है संज्ञान लिया जाए और उसका मेडिकल करा के और उस पर कार्रवाई की जाए। ये जेल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही है?
इसमें क्या एक्शन होता, क्या किस धारा के तहत इसमें कार्रवाई होती है? इसमें अभी कोर्ट संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद मेडिकल कराएगी और इसके बाद फिर जो न्यायालय उस पर पाएगी तो कार्रवाई करेगी। उसी मामले में 14 तारीख को मोतीनगर पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से उसको जेल भेजा गया था। तो जेल में जेलर और कुछ बेचारा मतलब जो वहाँ के लम्बरदार पुराने बंदी होते हैं, उन सब ने मिल के उसके साथ काफ़ी मार दी। और परिवार के लोग जब मिलने गए तो उनको उससे मिलने भी नहीं दिया गया। हमारे जूनियर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उससे मुलाकात करने की कोशिश की तो उनको भी मिलने से मना कर दिया गया। और आज जब न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया तो उसके पूरे शरीर पर काफ़ी मारपीट की चोटें के निशान थे, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो हमने न्यायालय से निवेदन किया है कि उसकी मेडिकल जांच करा के जो भी दोषी व्यक्ति हों जिनने उसके साथ मारपीट की हो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। नाम है आपका और आप कोर्ट किस लिए आए हैं? सोनू कटिक नाम है मेरा। हम शनिवार से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हम शनिवार को मुलाकात डाली हमारी कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर पर मिलन देंगे। हम 1 बजे तक उधर बैठे रहे हैं कचहरी में जेल में, तो हमने मुलाकात डाली। तो उसके बाद हमने जेलर साहब के पास भी गए कि आपकी 23 तारीख तक मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैंने क्यों सर, क्या आप तुम जाओ, बहस ना करो तुम जाओ। फिर हमने कल वकील साहब के पास आए तो वकील साहब की मुलाकात भी नहीं होने दी, तो कंप्यूटर द्वारा हो जाती थी वो भी नहीं होने दी कचहरी से। तो फिर वकील साहब ने कहा आप बुला रहे आकाश को, और आकाश ने बताया कि अंदर बहुत मारपीट करी है हमारे भाई, पूरे शरीर में चोटें हैंगी। क्यों मारपीट की है? कुछ वजह? पैसों के चक्कर में, पैसा मांग रही थी। मतलब जेल में क्या वसूली वगैरह हो रही है क्या? अवैध वसूली होती है, जो नागेंद्र चौधरी साहब हैं वो करवाते हैं, और उनके साथ में जो लम्बड़दार रहते हैं जो पुराने बहुत समय से, उनको पूरी वसूली करके देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? रानीपुरा। क्या हुआ है आप, कोर्ट को आना पड़ा आपको? कोर्ट को आना पड़ा इसलिए कि बच्चे को मार पीट हुई अंदर जी, उसने मिलने नहीं दिया 2-3 दिन से मारा ही थे। किसने मारपीट की है बच्चे के? जेल में अंदर किसने करी है? अंदर कैदियों ने भीतर मुलाकात नहीं करन दीजिएगी। किस मामले में आपका बालक जेल गया था? जबरदस्ती में लिखवा दिया है, वहाँ केस बनाया है कि अंदर वहाँ टपरा पड़ा जलाया है, कोई ने उनका नाम दे दिया है। इसके पहले भी आपके बालक के खिलाफ कोई केस दर्ज हुए हैं? नहीं हुआ। क्या नाम है आपके बालक का? आकाश रेखा।